अगर आप पहली बार मेरी YouTube चैनल पे आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उस पे क्लिक कर दो, साथ में ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ नया आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम पूजा कुशांशा। गाइस, अगर आप वेट लूज से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सही खाना यानी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज के अलावा भी आप नेगेटिव कैलोरी फूड भी चूज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव कैलोरी फूड की दो बहुत ही अच्छी खासियत होती है। सबसे पहली ये कि तो वो लो कैलोरी होता है, उसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे सिस्टम को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और हमारे सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमारे सिस्टम, हमारा जो स्टबर्न बेली फैट है उसमें से लेती है। तो अगर आप नेगेटिव कैलोरी फूड खाते हो तो आपकी सिस्टम एक्स्ट्रा वर्क करेगी आपके लिए, और ऊपर से लो कैलोरी है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको वेट लूज में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको साथ में बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने डाइट को इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करना हेल्दी नहीं होगा, तो आपको अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है दैट यू हैव टू नीड टू एक्सरसाइज एंड ईट योर अदर फूड एज वेल टू स्टे हेल्दी। यस, आप अपना डाइट भी साथ में फॉलो कर सकते हो और ये एक्स्ट्रा जो आप खाने वाले हो, एक्स्ट्रा नेगेटिव कैलोरी फूड भी आप खा सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आप अपने डाइट में ऐड करते हो तो अल्टीमेटली आपको ही उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सिर्फ पांच चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो नेगेटिव कैलोरी है, और उसका जो कैलोरीज है वो भी बहुत कम है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो मैं आज आपको ऐसी पांच चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट, कैसी कौन सी पांच चीजें हैं जो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो नेगेटिव कैलोरी वाली। और मैं अपने हर वीडियो के एंड में आपको एक हेल्दी टिप देती हूँ, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। वैसे भी मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, तो एंड तक देख लेना, 5-6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के मेरे वीडियोज होते हैं, सो वॉच इट टिल एंड। डॉक्टर अवे, मतलब ये है कि अगर आप एक एप्पल एवरीडे खाते हो तो शायद आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, क्योंकि एप्पल में बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे आपकी बॉडी के लिए होते हैं। तो एवरीडे आपको एक एप्पल खाना चाहिए। एप्पल में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में फाइबर है और कैलोरीज भी लो है, 100 ग्राम एप्पल में 50 कैलोरीज से ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको एप्पल को एवरीडे उसकी स्किन यानी कि छिलके के साथ खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसकी स्किन ऊपर से निकाल देते हैं फिर खाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसकी स्किन में ही बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो अब से आप जब भी एप्पल खाओ उसकी स्किन के साथ ही खाओ, उसको बाहर मत निकाल दो। और एप्पल में पैकेटीन भी होता है जो आपके वेट लूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब से आपको चाहो तो आप एवरीडे एप्पल खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एप्पल के वेट लूज के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं ये वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं एप्पल पे ही पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक किया होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ब्रोकली, अब बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रोकली को ज्यादातर पास्ता में खाना पसंद करते हो, लेकिन अब आप पास्ता के अलावा भी उसे खाना स्टार्ट कर दो, सलाद के रूप में बॉईल करके, या फिर आप उसके रायते में भी उसको यूज करके, ऐसे बहुत तरीके हैं हेल्दी खाने में आप उसको ऐड करके खाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ब्रोकली एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल सोर्स है अच्छे फाइबर का, तो ब्रोकली को ना सुपर फूड भी माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके लिए। और ब्रोकली में ज्यादा फाइबर होने की वजह से आपको ना भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगती है, और आप ऑलमोस्ट ज्यादातर फुल फील करते हो, आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी उससे, जिसकी वजह से आप अपनी कैलोरीज में भी कट ऑफ कर सकते हो। वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कैलोरीज ना के बराबर है, और उसमें बहुत ही अच्छा वाटर लेवल होता है जो आपको वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करवाता है। तो आपको वाटरमेलन खाना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइकोपीन होता है जो आपको हृदय और पोषक तत्वों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और वाटरमेलन आपकी ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, साथ में आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा देता है, तो आपको एवरीडे वाटरमेलन खाना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसे फ्राई किए बिना खाना है। मतलब जैसे फ्रेंच फ्राइज आते हैं या फिर बहुत सारी सब्जियां हम सब्जी में हम आलू को फ्राई करके यूज करते हैं, नहीं ऐसा आपको नहीं करना है। आप उसे बॉईल करके भी अच्छी तरह से सब्जी में खा सकते हो। और आलू ना एक महान नकारात्मक कैलोरी ऑप्शन है, सच में ये बहुत ही अच्छा है। आलू में ऑलमोस्ट अगर आप 100 ग्राम आलू में देखा जाए तो 58 कैलोरीज ही है, इतनी भी नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो। आलू में पोटेशियम के साथ साथ विटामिन B6 और विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो आप आलू भी नेगेटिव कैलोरी के ऑप्शन में वेट लूज में खा सकते हो। यानी कि पालक, पालक कितनी गुणकारी है ये हम लोग सब जानते हैं। पालक पे मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और आपने बेल आइकन पर भी प्रेस किया होगा तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि पालक एक बहुत ही अच्छी गुणकारी चीज है। पालक में विटामिन ए, के और उसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स से पालक समृद्ध है और कैलोरीज भी बहुत कम होती है, तो पालक खा के आप पोपाई की तरह शक्तिशाली भी बन सकते हो। तो रोज पालक खाना स्टार्ट कर दो। आप पालक खा सकते हो अपने डाइट में क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होती है। आप उसका सूप बना के पी सकते हो, पालक की सब्जी भी कम तेल और कम मसाले में भी आप खा सकते हो। तो ये जो मैंने 5 चीजें बताई वो बहुत ही अच्छे नेगेटिव कैलोरी के ऑप्शन है। आप इसे खा के अपने डाइट में ऐड करके भी वेट लूज कर सकते हो और नेगेटिव कैलोरीज भी इंजॉय कर सकते हो। और आज की हेल्दी टिप ये है कि बहुत सारे से लोग होते हैं, देखो पहले तो क्या होता है कि हमें एवरीडे ग्लास दूध पीना है और साथ में एवरीडे एप्पल भी खाना है, और ऐसे हम बहुत टाइट शेड्यूल होता है हम लोगों का, जिसकी वजह से या तो हम एप्पल खाते हैं और दूध पीना भूल जाते हैं या फिर दूध पीते हैं और एप्पल खाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप एप्पल का मिल्क शेक बना के पी लीजिए। एक ग्लास दूध ले लीजिए, लो कैलोरी मिल्क लेना है और आपको उसमें शुगर ऐड नहीं करनी है, शुगर फ्री पन ऐड नहीं करनी है। तो एक ग्लास एप्पल में सॉरी एक ग्लास दूध में एक एप्पल ऐड करके उसका एप्पल मिल्कशेक बना लीजिए और पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एप्पल और दूध दोनों का ही मिनरल्स और विटामिन बहुत ही अच्छी तरह मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक ग्लास एप्पल का मिल्कशेक पीते हो तो आपको 2 से 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, आप अपने आप को फुल फील करोगे। तो ये थी आज की हेल्दी टिप, इसे फॉलो कीजिए फॉर बी हेल्थी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन पर भी बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर सकते हो। स्टिल दैट, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम पूजा कुशांशा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।